अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं ये क्रोशे बेल की चेन। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही इसमें लीव्स का पैटर्न भी शेयर किया है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपने अपने पास रख लेनी है। यहाँ पर मैं नंबर 2 साइड से क्रोशा यूज़ करूँगी और इसकी बेल्स बनाने के लिए शॉकिंग पिंक कलर की मैंने यार्न ली है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ग्रीन कलर से हम इसके लीव्स बनाएंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इस तरह से आपने 2 फिंगर्स पे धागे को लपेटना है और क्रोशे की मदद से इस तरह से नीचे से गुजारते हुए लूप लेंगे और चेन 1 बनाएंगे। अब इस रिंग में हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे और 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 6 सिंगल क्रोशे बना लिया। हम इस धागे को खींच के इस रिंग को क्लोज कर देंगे। अब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था उसके टॉप पे स्लिप स्टिच करना है। अब चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में सारे स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे इकट्ठे बनाने हैं और इसी तरह से टोटल आपके पास 12 सिंगल क्रोशे बनेंगे। ट्वेल्व सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया है उसके टॉप पे स्लिप स्टिच कर दें। इस तरह से सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे चेन 1 और सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे इकट्ठे बनाएंगे। इसी तरह से अब अगेन हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 इकट्ठे बनाएंगे और ये इसी तरह से सारा राउंड कंप्लीट होगा। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 इकट्ठे बनाएंगे। इस तरह से थर्ड राउंड में टोटल 18 सिंगल क्रोशे बनेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया है उसके टॉप पे स्लिप स्टिच कर दें। चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाना है और ये फोर्थ राउंड है। 4th से 7th राउंड तक सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाने हैं हर राउंड में और एंड पे स्लिप स्टिच कर देना है।
ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसके टॉप पे स्लिप स्टिच कर दूंगी और इससे आगे नेक्स्ट जो थ्री राउंड्स होंगे वो सेम एज इट इज़ होंगे, सिंगल क्रोशिया बनाना है सारे स्टिचेस में। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8 राउंड, चेन 1 करेंगे। इस राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देन एक डिक्रीज बनाएंगे। डिक्रीज बनाने के लिए 2 स्टिचेस से हम लूप लेंगे और उनको इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह से, और नेक्स्ट फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन डिक्रीज। इसी तरह से ये सारा राउंड कंप्लीट होगा, एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज बनाते जाएंगे और लास्ट पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके टॉप पे। यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और इस राउंड में टोटल 12 स्टिचेस बनेंगे। चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट 8 राउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम स्टिच में जहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। अब इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएं। और सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो इससे नेक्स्ट स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देन हाफ डबल क्रोशिया और सेम इसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी पेटल बनके तैयार हो जाएगी और बाकी भी इसी तरह से सेम बनेगी 2 स्टिचेस के साथ, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन हाफ और सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 3 पेटल्स बना लिए हैं, टोटल 6 बनेंगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 6 पेटल्स मैंने बना लिए हैं। अब लास्ट में मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके टॉप पे। यहाँ पर ये बेल कंप्लीट हो गया। अब हम धागे को काट देंगे और लास्ट लूप में से इसको गुजार देंगे इस तरह से। आप दूसरे भी बना के तैयार कर लें। अब हम इसके लीव्स बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लूप बनाए। स्टार्टिंग चेन्स हमारी 14 होंगी
14 चेन्स बनानी है। यहाँ पर जो हमारी सेकेंड चेन है हुक से, उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। और अब नेक्स्ट टू स्टिचेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। अब नेक्स्ट फाइव स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये फाइव ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टू स्टिचेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। अब नेक्स्ट एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट स्टिच हमारे पास बचा है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, उसके बाद एक चेन और अगेन इसी लास्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसको टर्न करने के लिए। इसको इस तरह से टाइट कर लें और अब लीफ की दूसरी साइड बनाएंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले साइड बनाई है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद टू डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट टू स्टिचेस में, वन एंड टू। ये टू डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट फाइव स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर मैंने फाइव ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टू स्टिचेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। और अब नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट स्टिच है हमारे पास इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके टॉप पे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये लीफ बन के तैयार हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न के साथ आपने दूसरा भी तैयार कर देना है। यहाँ पे मैं धागे को कट कर दूंगी और इसको लास्ट लूप से पास कर दूंगी। सेकेंड लीफ बना के आप इसको नॉट लगा के दोनों को अटैच कर दें। नीडल के साथ आप इनके धागों को कवर कर लें अच्छे से।
अब हम इसकी चेन बनाएंगे जिसे हम दोनों बेल्ट को अटैच करेंगे। आपने इस तरह धागे को डबल कर लेना है और जो इसकी बंद वाली साइड है वहाँ से हम इसको बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर मैं नंबर 3 साइड से क्रोशा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये डबल है धागा, इसलिए। अब मैं 25 चेन्स बनाऊंगी। आप चेन की लेंथ को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। चेन की लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसी चेन के साथ आपने दूसरे बेल्ट को भी अटैच कर लेना है और इस तरह से स्लिप स्टिच कर दें यहाँ पे। और यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। और नीडल से अब आप इसके धागों को कवर कर लें। अब हम लीव्स को इसके साथ अटैच करेंगे। इसको आप एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हैं, बेबी ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और नई वीडियोज़ के लिए। इसी तरह से आप इसके दूसरे धागे को भी लीफ की बैक साइड पे कवर कर दें। और ये हमारी क्यूट सी बेल्ट की चेन बनके तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।